चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में सबसे ज़्यादा क्रेज अगर किसी का है तो वो चिराग पासवान का है अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो झारखंड की तमाम सभाओं को आप देख लीजिए झारखंड में अभी विधानसभा का चुनाव है और चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का क्रेज देखना है तो वहां की सभा को देख लीजिए किस तरीके से चिराग पासवान की सभा में भीड़ आ रही है और किस तरीके से तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ आ रही है इनकी सभा में इतनी भीड़ जुट रही है कि आपको पता चल जाएगा कि पहले नंबर पर कौन है और दूसरे नंबर पर कौन है तेजस्वी यादव अपनी सभा झारखंड में कर रहे हैं और वहां पर काफी भीड़ जुट रही है लेकिन उससे दो गुना भीड़ चिराग पासवान की सभा में जुट रही है जब चिराग पासवान अपनी सभा झारखंड में कर रहे हैं तो वहां पर लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं ताकि चिराग पासवान को सुन सके चिराग पासवान वहां एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं जबकि तेजस्वी यादव दर्जन भर से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन चिराग पासवान तेजस्वी पर भारी पड़ रहे हैं चिराग पासवान जहां भी सभा कर रहे हैं वहां पर लाखों की भीड़ जुट जा रही है चिराग को सुनने के लिए लेकिन तेजस्वी यादव को सुनने और देखने के लिए लोगों की भीड़ जो है वो कम पड़ जा रही है लोग जुट नहीं रहे हैं लोग हेलीकॉप्टर देखने तो आ रहे हैं लेकिन फिर वापस चले जा रहे हैं लेकिन चिराग पासवान की सभा में जब लोग जुट रहे हैं तो गाड़ी के बोनेट पर जिस तरीके से बिहार में चिराग पासवान को प्यार मिलता है कि गाड़ी के बोनेट पर तक लोग चढ़ जाते हैं उसी तरीके से झारखंड में भी चिराग पासवान के लिए प्यार दिख रहा है चिराग पासवान के लिए लोग पागल हो गए हैं और लगातार गाड़ी के बोनेट पर हो या फिर मंच पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि एक फोटो चिराग पासवान के साथ हो जाए यानी कि अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय लेवल में और केंद्रीय लेवल में कौन मजबूत है तो वहां पर केंद्रीय लेवल में चिराग पासवान का नाम आएगा कि केंद्रीय लेवल में चिराग पासवान का जलवा काफ़ी है लेकिन तेजस्वी यादव का जलवा थोड़ा धीमा पड़ा है है। 19-20 का अंतर हो जा रहा है तेजस्वी 19, चिराग 20 हो जा रहे हैं चिराग अपनी भूमिका वहाँ पर बेहतर तरीके से निभा रहे हैं तेजस्वी मायूस हो जा रहे हैं तेजस्वी यादव महागठबंधन के तरफ से या यूं कहें कि जेएमएम, एम कांग्रेस वामदल और जो राजद का वहां पर गठबंधन है उसका चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो चिराग पासवान एन जिसमें भाजपा जे डी यू और उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ये सब है तो उन तमाम पार्टियों का चुनाव प्रचार चिराग कर रहे हैं तो वहीं जे एम कांग्रेस और वामदल और राजद का चुनाव प्रचार तेजस्वी कर रहे हैं लेकिन तेजस्वी का चाल धीमा पड़ जा रहा है चिराग का चाल धीमा नहीं पड़ रहा है चिराग पासवान तेजस्वी पर भारी पड़ रहे हैं। और तेजस्वी पर सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं बल्कि पप्पू यादव भी भारी पड़ रहे हैं पप्पू यादव भी जहाँ भी कार्यक्रम कर रहे हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव पर भारी पड़ रहा है भीड़ सबसे अधिक अगर किसी की सभा में आ रही है तो पहले नंबर पर चिराग पासवान है दूसरे नंबर पर पप्पू यादव है तीसरे नंबर पर तेजस्वी यादव है तेजस्वी यादव को लोग सुनने आ रहे हैं लेकिन फिर वापस चले जा रहे हैं जहाँ एक तरफ तेजस्वी की सभा में दस हज़ार की भीड़ हो रही है तो वहीं चिराग की सभा में लगभग पचास हज़ार से एक लाख की भीड़ हो रही है और वो भीड़ चिराग को सुनने और देखने के लिए आ रही है लोगों को चिराग पासवान से उम्मीद है और इसीलिए तो चिराग पासवान ने मन बनाया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे लेकिन अब गठबंधन ने यह फैसला लिया कि एक सीट पर चिराग पासवान को उतारा जाएगा चिराग पासवान एक सीट पर उतरे हुए हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी जे के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहाँ की तमाम क्षेत्रीय पार्टी जिसका गठबंधन एन के साथ है उसके पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहीं तेजस्वी यादव अपने सहयोगी दलों के क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं लेकिन जलवा जो है वो चिराग पासवान का देखने को मिल रहा है चिराग पासवान वहाँ पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं बिहार की तरह झारखंड में भी चिराग पासवान को प्यार मिल रहा है जिस तरीके से बिहार में चिराग पासवान को प्यार मिलता है बिहार की जो युवा है जो यूथ है वो जैसे चिराग पासवान को देखने के लिए बेकाबू रहती है उसी तरीके से झारखंड की यूथ चिराग पासवान को देखने के लिए बेकाबू है और चिराग पासवान इन तमाम चीज़ों को देखकर गदगद हो गए हैं कि हमारा जो क्रेज है वो केंद्रीय लेवल पर दिख रहा है तेजस्वी का क्रेज क्षेत्रीय लेवल पर है वो सिर्फ बिहार में सिमट कर रह जाते हैं हम पूरे देश में चलते हैं पूरे देश की जनता हमें चाहती है अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि पप्पू यादव और चिराग पासवान के बढ़ इस बढ़ते क्रेज को देखकर ते क्या तेजस्वी यादव को तकलीफ हो रही है क्या तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं कि अब हम करें तो क्या करें किस तरीके से अपना लाज बचाए बहरहाल इस खबर में इतना ही बने हमारे साथ और देखते रहे द दे इंडिया टॉप